पांव मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। पांव मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ पांव मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। बोलो पांव मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय। 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 वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। 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 आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी की मिनिस्ट्री के द्वारा। जितने भी लोग हमारे साथ इसे ऑनलाइन में जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और
चर्चस के द्वारा जितने भी इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले हमें परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जैसे कि हम तेरी आराधना शुरू करने के लिए जाते हैं। प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आप इनको निरंतर मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आओ हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस परमेश्वर को गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना के साथ अपने आप को शामिल करें। स्क्रीन पे जो गीतों के जो बोल आ रहे हैं, जो शब्द हैं, आप उसे पढ़ते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वार है
वो गया हार है। जैसा चलाक है करता वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना ठहरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना ठहरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है ये नहीं भूल है, यही मेरी ताकत है ये नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है। जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सामने चांद मांद पड़ जाए,
शर्माए तेरे नूर के सामने चांद मांग पड़ जाए मिट जाएगी हर एक दिन बस तुझ ही को कयाम है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है सजदा तुझको करते सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते लश्कर पलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है आसमान हर पल करता तारीफ तेरी दयाल है आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान 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 फरिश्तों की गाए तेरी हम्द सुबह शाम है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान 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 है एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आप सभी के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से सुबह और शाम की आराधना प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे और शाम 6:30 बजे हिंदी में पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी वचन की सेवा करेंगे और सभी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी आओ हम सभी राष्ट्रों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें
आओ हम सभी अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। इस अवसर को ना छोड़ें और प्रभु के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करें। पीजे स्टीफन पॉल हिंदी यूट्यूब चैनल में इस सीधे प्रसारण को देखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। अगर आप जूम ऐप में जुड़कर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस जूम आईडी का उपयोग करें। हमारा जूम आईडी है 9553901901। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदी आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। We'll come like a small cats, but when we leave from here, it's like a roaring lion. It's blessing each and every person who have coming here. And as per the title, Life Changing Revival Center, it is absolutely 100% of it, because every person who comes here goes not normally, but they are strengthened in the God. This is a life changing program. Truly, our lives are changing. My name is Narendra. I was leading my life according to the world, but the Stephen Paul message has touched my heart, and I have decided to change myself and live according to the God's wish. Don't go after tattoos and all these things. I have already been through this. There is no joy. There is only temporary happiness. Come back to Jesus. You will get permanent and eternal happiness in your life. In one sentence, I can say it is a spiritual revival meeting. These meetings are perfect for the young people, for the younger generation like us. It's a life-changing meeting. It's a life-reviving meeting. I am Prashant Kumar, Joint Director of Industries in State Government of Telangana. We have been coming here from the last 4 years. And we have been blessed in many ways. We are enriched with the word of God, which is being preached by P.J.S. Paul Garu. He has been a blessing to this city. Ms. Mary, I work as a manager in a multinational company. I'd like to thank God for Brother Stephen Paul ministry. As a young person at work, at home, to live for the Lord faithfully, and I was encouraged in the word of God. For the youth, it helps us to face everyday situations based on the word of God and to live for Christ. There is nothing but spending time with God. प्रार्थना और कुछ नहीं, बस परमेश्वर के साथ समय बिताना है. It's a communication with God. ये परमेश्वर से बातचीत करना है. Talking to God. परमेश्वर से बातें करना है. Listening from God. परमेश्वर से सुनना है. Casting all your cares upon the Lord in prayer. प्रार्थना में अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देते हैं. The peace will pass through your body. शांति आपके मन में आ जाती है. The peace of Christ will pass through our thought life. मसीह की शांति हमारे विचार के जीवन में आ जाती है। हम फास्टर दीपक कुमार गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं फास्टर जी के मीटिंग में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से प्रभु का वचन को रखा उन्होंने, और उनके द्वारा बहुत लोग चंगाई पे सामर्थ प्रभु ने प्रकट किया जो उनके द्वारा प्रभु कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रभु का अद्भुत काम है, स्टीफन पॉल फास्टर जी के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा नाम जॉन मैसी है, मैं ग्रेटर नोएडा यूपी में सेवा कर रहा हूँ। पास्टर स्टीफन पॉल जी की मिनिस्ट्री में आकर मुझे बहुत उत्साहित महसूस हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो बार बार यहां दिल्ली में आए और इसी प्रकार से सभी को आत्मा में उत्साहित करें। सबको जय मसीह। मैं ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अच्छे वचन के द्वारा से बातचीत किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दीना फ्रांसिस है और मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से आई हुई हूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि ये सौभाग्य हमारे जीवन में दिया कि हम इस मीटिंग में शामिल हो सके। स्टीफन पॉल पास्टर को हम हमेशा यूट्यूब में, टीवी में देखते थे, लाइव देखते थे, परंतु बाय फेस पहली बार हमें देखने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आज के दिन मीटिंग में परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ हमको आशीषित किया है। आप सभी के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से। सुबह और शाम की आराधना प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे और शाम 6:30 बजे हिंदी में पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी वचन की सेवा करेंगे और सभी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। आओ हम सभी राष्ट्रों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। आओ हम सभी अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। इस अवसर को ना छोड़ें और प्रभु के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करें। पीजे स्टीफन पॉल हिंदी यूट्यूब चैनल में इस सीधे प्रसारण को देखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। अगर आप जूम ऐप में जुड़कर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस जूम आईडी का उपयोग करें। हमारा जूम आईडी है 9553901901। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदी आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए।
कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुनें और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। Out for the Lord and say hallelujah. प्रभु के लिए चिल्लाएं और कहें हालेलुया। Quickly listen to this word. जल्दी से आप इस वचन को सुनें। Write it down. लिख लें। The topic is how to do great things for God. परमेश्वर के लिए बड़े काम कैसे करें? The Bible says. बाइबल बताती है। Book of Daniel chapter 11 verse 32. दानियल नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 32वां पद। Those who knew their God, they shall do exploits. जो अपने प्रभु को जानते हैं वो बड़े काम करेंगे। If you know your God, you shall do exploits for God. यदि आप अपने प्रभु को जानते हैं तो आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। कितना लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं? कितने लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. How it is possible? ऐसा कैसे संभव होगा? When the more you know God, जब आप प्रभु को जितना जानेंगे, the more you know Jesus, जितना आप यीशु को जानेंगे, the more you come closer to God, जितना आप खुदा के नजदीक आएंगे, the more you come closer intimacy with the Lord Jesus, जितना आप प्रभु यीशु के नजदीकी में आएंगे, and then the things will flow like a river in your life. तब बातें आपकी जिंदगी में नदी की नाई बहने लग। Did Moses did many miracles or little miracles? मूसा ने बड़े बड़े काम किए या छोटे छोटे? Why? क्यों? Because he knew his Lord more. क्योंकि वो अपने खुदा को जानता था। Exodus chapter 33 verse 11. 33 verse 11. निर्गमन 33 का 11 कहता है। And the Lord spake unto Moses face to face. See? Such a closeness, intimacy. The more he knew God, he did great things for God. पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। जितना वो खुदा को जानता था, उतना ही वो उसके और नजदीक होता गया। All of us has a desire to do great things for God. हम सबके अंदर भी परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े काम करने की इच्छा है। But we fail to do. लेकिन हम नहीं कर पाते। What is the reason? कारण क्या है? The reason is one thing. केवल एक ही कारण। Because we are not knowing much about God. क्योंकि हम परमेश्वर को ज्यादा जानते नहीं हैं। Maybe intimacy is missing. शायद परमेश्वर के उतने नजदीक नहीं हैं। Moses did great things because he had intimacy with the Lord. मूसा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए क्योंकि वो खुदा के नजदीक था। Joshua, even he prayed, sun, moon just stuck there. और यहोशु ने जब प्रार्थना किया तो सूर्य वहीं रुक गया। Why? क्यों? Joshua also knew about God. क्योंकि यहोशु भी खुदा को जानता था। And you see many many men of God in Old Testament and New Testament. Elijah, when he prayed 3.5 years, there was no rain. When he prayed again, there was a rain. पुराने नियम में भी नए नियम में भी कई ऐसे खुदा के खादिम हैं जो खुदा को जानते थे। एलिया ने प्रार्थना किया 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं। Why? क्यों? In Elijah, when you go to Israel, you'll see Elijah cave, small cave inside his prayer. जब आप इज़राइल में जाएंगे तो वहाँ पर एलिया का एक गुफा दिखेगा, बहुत छोटा सा गुफा है। And there is a small cave and he's praying inside. और वहाँ पर एक गुफा है, उसमें वो प्रार्थना कर रहा है। Commander came, Elijah, come down. King told to bring you here. और एक राजा आता है और अपने सिपाहियों के साथ और कहता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है, उसने हमें भेजा है। They got to arrest you and take you over there. हम तुझे गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। See, 50 people, soldiers are with me. I am a commander of this 50 people. और ये 50 सिपाही मेरे साथ में हैं, मैं इनका सेनापति हूँ। And Second Kings chapter 1 it says that. दूसरा राजा पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है। And Elijah said, if I am the man of God. और एलिया कहता है यदि मैं खुदा का जन हूं। Because you are calling, I am the man of God. और यदि तुम कह रहे हो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि मैं प्रभु का जन हूं। If I am a really man of God. यदि मैं सही में प्रभु का दास हूं या जन हूं। Let the fire come down from heaven and burn you up. और स्वर्ग से आग उतरे और भस्म कर दे। What happened? क्या हुआ? Those who knew Bible, you will shout and say, what happened? जो लोग बाइबल जानते हैं वो चिल्लाएंगे और कहेंगे क्या हुआ? क्या हुआ? Suddenly fire came from heaven and burned all of them. अचानक से स्वर्ग से आग उतर आई और वो सब जल गए। What a mighty things happened. कितने बड़े-बड़े काम हुए। My brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहन। In the New Testament and Old Testament, those who come closer to God, those who know intimacy with, those who have intimacy with the Lord, things happened, wonderful miracles happened in their life. पुराने नियम में नए नियम में जितने भी खुदा के नजदीक गए उनके जिंदगी में बड़े-बड़े काम हुए। Not only they received, they helped many people to receive it. केवल उन्होंने ही नहीं पाया परंतु उन्होंने कई लोगों की मदद की।
But if you don't have any intimacy, just you came today, even then if you have faith in Jesus, Jesus can do great things for you. आपकी ज्यादा घनिष्ठता नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं वो आपके लिए बड़े काम करेगा. Daniel chapter 11:32. दानियल नबी की पुस्तक 11:32. But the people that do know their God shall be strong and do exploit. जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे. Yes, God wants us to be strong. यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम बलवान बने. You must be strong in your spirit. आपको आत्मा में बलवंत होना है. You must be strong in your physical body. अपने शरीर में बलवंत होना है. You must be strong in your mental. आप मानसिक तौर से मजबूत बने. We must be strong in our finance. आप अपने अर्थव्यवस्था में मजबूत बने. If a child of God strong enough, they can help others. यदि आप परमेश्वर के जन हैं और आप मजबूत हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. Seek you first the kingdom of God more and more, and you will have intimacy with the Lord. Things will go on, move on. और ये तो सब पृथ्वी की आशीष है लेकिन प्रभु आपको और आशीषित करेगा. पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. Read it. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. When you seek the kingdom of God, अभी मेरे पास कोई बैग नहीं है लेकिन जब प्रभु के राज्य की खोज करूंगा and the Lord will add blessings to you, brother. तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीषें जोड़ देगा. Praise the Lord. Praise the Lord. So many blessings. बहुत सारी आशीषें. Hallelujah. Hallelujah. But don't ask God bag full of blessing. परंतु परमेश्वर से ये झोला भर के आशीष ना मांगे. You seek the kingdom of God, you seek his face, you his righteousness, and he will bless you, he will add blessings. आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें और वो ये आशीषें बढ़ाता जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Who can be strong and do exploits for the Lord? परमेश्वर के लिए कौन बलवंत होकर प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है? Those who knew their God. जो अपने प्रभु को जानते हैं. How to know more about God? परमेश्वर के बारे में और अधिक कैसे जाने? Through the word of God. परमेश्वर के वचन से जाने. The more you know the word of God, the more you know about Jesus. जितना आप प्रभु के वचन के बारे में जानेंगे उतना आप यीशु के बारे में जानेंगे. In the beginning there was a word. आदि में वचन था. The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था. John chapter 1 verse 1 and 2. यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा पद. So you must know the word of God. आपको परमेश्वर का वचन जानना होगा. Matthew 22 verse 29 Jesus said. मत्ती 22 के 29 में यीशु ने कहा. Because you, Jesus answered and said unto them, you do err not knowing the scriptures. That is why you do errors. और मत्ती 22:29 में यीशु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते इस कारण भूल में पड़ गए हो. Fail to know the scriptures, fail to receive the power of God, will do errors. यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाने प्रभु के वचन को नहीं जाने तो गलतियां करेंगे. If you want to know God more, we must know the word of God. यदि आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन जानना होगा. So read God's word. Read God's word. तो प्रभु का वचन पढ़ें. One man of God, he said that, Lord, when will I have a great power in my ministry? एक प्रभु के दास ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरी जिंदगी में मेरी सेवा में बड़ी सामर्थ कब आएगी? And God, he was praying and fasting. वो उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे. And God said, read my word. One day the voice came, read my word. Read. और एक दिन आवाज आई, मेरा वचन पढ़, मेरा वचन पढ़. My son, if you want power, read my word. Read my word. मेरे बेटे, तुझे यदि मेरा वचन, तुझे मेरी सामर्थ चाहिए तो मेरा वचन पढ़. Then he told to Pastor Ma, he told to his wife and said, 1 month I'm not going for any house visiting. और पास्टर मां से कहा कि एक महीने अब मैं कहीं विजिट के लिए नहीं जा रहा. Reading God's word, praying to God, reading God's word, praying to God, every day he did it. और हर दिन वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना. Per day 70 chapters, 80 chapters, 100 chapters per day. एक दिन 70 अध्याय, 80 अध्याय पढ़ने लगे. And he was praising God, worshiping God, singing about the blood of Jesus and worship songs. और आराधना के गीत गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे. And after 15 days after he was filled with the Holy Spirit, started speaking in unknown tongues. और 15 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. And 24th day when he was walking out, और 24वें दिन जब वो बाहर चलने लगे, early in the morning is just walking. सुबह के समय में वो चलने गए. There are many palm trees around the way. और उस रास्ते में बहुत सारे खजूर के पेड़ थे.
though two women, they were carrying a dry fish to sell in other village, they were walking. और दो महिलाएं जो हैं वो मछली बेचने के लिए अपनी टोकरी में मछली रखकर जा रहे थे, बातें कर रहे थे. They were talking each other and walking. और एक दूसरे के साथ बात करते हुए चल रहे थे. This man of God reading God's word and praying and meditating God's word. Lord, you said read your word so that I'll get the power. Give me more power, Lord. और ये प्रभु का जन कहने लगा, प्रभु आपने कहा वचन पढ़ो और मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा. वचन पढ़ने लगे, सामर्थ्य पाने. Suddenly one woman threw her basket and started climbing the palm tree. और एक महिला तुरंत अपनी टोकरी फेंक कर वो ताड़ का जो पेड़ था उस पे चढ़ने लगी. When this man came closer, और ये व्यक्ति जब नजदीक आया, this woman talking each other, one of the woman threw the basket down and suddenly started climbing the palm tree. और एक महिला जो है वो तुरंत उसको उस टोकरी को फेंक कर वो पेड़ पे चढ़ने लग गई. Other woman shouting, what happened to you, akka? What happened to you, akka? और दूसरी महिला चिल्लाने लगी कि अरे अक्का क्या हुआ, यानी दीदी क्या हुआ. When did you know? How do you know how to climb the trees now? अरे दीदी तुम्हें ये पेड़ों पे चढ़ना कब से आ गया? Easily she climbed half of the tree. और वो पेड़ में आधे तक चढ़ गई. And then she's crying, Babu, why my sister doing like this? और वो बहन रोने लगी और पूछने लगी कि मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है? Please help, please help. Please इसकी मदद करिए, कृपया मदद करिए. I don't know why she's doing strange things. She threw away and she climbed up. मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, टोकरी फेंक कर पेड़ पे चढ़ गई है. Completely she didn't climb the off of the tree. और वो पेड़ पे पूरी तरीके से नहीं चढ़ी, आधे तक चढ़ गई. Then this man of God said, what happened to you, अम्मा? Why did you climb this palm tree? और इस प्रभु के दास ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ अम्मा, तू क्यों इसके ऊपर में चढ़ गई? She made her eyes bigger and said, you go until and unless I will not come down. और उस महिला ने आंखें फाड़ कर कहा, जब तक तू जाएगा नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगी. Then this man of God understood she is a demon possessed. और फिर प्रभु के जन को समझ में आ गया कि ये दुष्टात्मा ग्रस्त है. Then the Lord Jesus help me how to command the demon to come out of her life right now. ओ प्रभु मेरी मदद करिए कि ताकि मैं कैसे इसके अंदर से दुष्टात्मा निकाल सकूं कि ये अभी अभी निकल जाए. Come on, how will you cast out demons in the name of Jesus? Demon go, that's all. आप कैसे दुष्टात्मा निकालेंगे? यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा चली जा. Will you say like that? क्या आप ऐसा कहेंगे ना? How will you say? आप कैसे कहेंगे? Huh? कैसे कहेंगे बोलिए? Who made her to climb the tree? उसे पेड़ पे किसने चढ़ाया? Demon. दुष्टात्मा ने. She is off of the tree. She was hanging over there. वो आधे बीच में चढ़ी हुई है, आधे तक चढ़ गई. If you say demon come out of her, she will fall like a fruit. और यदि आप ये आज्ञा देंगे कि यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकल जा, तो पेड़ फल की तरह नीचे टपक पड़ेंगी. Bones will break. हड्डियां टूट जाएंगी. So now you need a discerning spirit. तो अब आपको gift परख of discerning. आपको परख का वरदान चाहिए. He came all about to demon come. Holy Spirit said, no, don't say that. और वो जैसे ही बोलने जा रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो. Don't rebuke the demon to come out of her life. उसके जीवन से अभी दुष्टात्मा मत निकालो. Because she doesn't know how to climb tree, how to get down. क्योंकि उसको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता, उतरना भी नहीं आता. Spirit of God said, demon, bring her down slowly. और परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया, दुष्टात्मा को बोलो धीरे धीरे इसको नीचे उतारो. धीरे धीरे, धीरे धीरे. In the name of Jesus, you demon, bring her carefully down. यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा बड़ी सलीके से नीचे उतार दे. She's crying. नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाने लगी. No. Don't leave her body. Come down slowly. उसका शरीर अभी छोड़ना नहीं, धीरे-धीरे नीचे उतार. And she came down. और वो धीरे-धीरे नीचे उतार आई. She said, "No, no, no! Don't come to me! Don't come to me!" उसने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं! मेरे पास मत आइए, मत आइए!" This man of God says, "Lord, what I have to do now?" अब इस प्रभु के जन ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? The Holy Spirit said, "Now you cast out the demon." तब परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि अब दुष्टात्मा निकल. He said for this hand, "A demon, come out of this woman." और उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा है, दुष्टात्मा निकला. In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से निकला. She was rolling and the, you know, the dust was flying in the air. और वो ऐसे लोटपोट हो रही थी और धूल उड़ रही थी. And after few minutes she fell down. और कुछ मिनट के बाद वो नीचे गिर गई. They gave water nearby canal and she washed her face. और उस पानी दिया और उसने अपना मुंह धोया. She said, heaviness gone. Too much heaviness on my body has gone. I'm like a light, very light, like a paper. I'm light now. वो कहने लगी कि अरे मेरा भारीपन चला गया, भारी भारी लग रहा था, अब तो बहुत हल्का लग रहा है. What happened to me? What happened to me? मुझे क्या हुआ? Where is my basket? मेरी टोकरी कहाँ है? Then our sister said, don't you know you climbed the palm tree also? हाँ, तुझे पता नहीं है कि अगर तूने फेंक के तू पेड़ पे चढ़ गई थी? I don't know how to climb bicycle. How can I climb a palm tree? अरे मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती, ये पेड़ पे कैसे चढ़ जाऊंगी? In those days there is no mobile.
मोबाइल फोन अदरवाइज दे वुड हैव शोन हर उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं था नहीं तो रिकॉर्ड करके दिखा देते देन दिस मैन ऑफ गॉड अंडरस्टूड ओहो इफ आई वांट मोर पावर ऑफ गॉड आई हैव टू रीड गॉड्स वर्ड उस दिन प्रभु के दास को समझ में आया कि मुझे और सामर्थ्य चाहिए तो यह वचन पढ़ना होगा आर यू गेटिंग इट क्या आपको समझ में आ रहा है डोंट रन हियर एंड देयर फॉर पावर ऑफ गॉड गो टू द बाइबल परमेश्वर की सामर्थ के लिए यहां वहां मत भागिए वचन में जाइए हालेलुया हालेलुया सम पीपल ऑलवेज दे रन टू पास्टर प्लीज पुट योर हैंड एंड अनॉइंट मी कुछ लोग क्या पास्टर के पास जाते हैं और बोलते मेरे पे हाथ रखो और मेरा अभिषेक करो समटाइम्स ओके कई बार तो ठीक है एवरी टाइम हर बार पादरी साहब हाथ रख दो बस आप हाथ रखो Ask Jesus. आप यीशु से मांगिए Ask God. आप प्रभु से मांगिए नहीं 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 पादरी साहब आप हाथ रख दो काम हो जाए फॉर मी जीसस इज माई डैड फॉर हिम ऑल्सो ही इज आवर डैड उनके लिए भी यीशु मसीह मेरे लिए भी पिता है और उनके लिए भी पिता है yes or no? हाँ या ना When my father brings the four fruits, we are four children, he will give each one. जब मेरे पिताजी चार बच्चों के लिए चार फल लाते हैं तो सबको एक एक देते हैं If my brother is not with me, if I am eating, when he saw, where did you got this fruit? और यदि वो लाए और मेरे भाई के लिए नहीं लाए तो पूछे अरे ये फल कहाँ से मिला If you go and ask, Anna, Anna, please give me. और यदि वो जाके बोले अन्ना अन्ना मुझे दे दो एंगल फ्रूट इस झूठा चाहिए तो ले ले Go to father, he'll give you fresh fruit. पिता के पास जाओ ताजा मिलेगा एंगल फ्रूट का वाला फ्रेश फ्रूट का वाला झूठा खाना है या ताजा खाना है बोलो बोलिए Go to father. पिता के पास जाइए Hallelujah. Hallelujah. Respect pastors. पास्टर का सम्मान करें Bring new souls to the churches every Sunday. कलीसिया में हर इतवार नई नई आत्माएं लेकर आए Read God's word. परमेश्वर का वचन पढ़ें. And the secondly, if you want to know more about God, यदि आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं You need to have Spirit of the Lord because the Spirit of the Lord knows about all about God. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. पहला कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय 11वें पद के अनुसार परमेश्वर का आत्मा सब बातें जानता है Come on, read the scripture. आप इस वचन को पढ़िए फोर्थ लाइन आई एम रीडिंग इवन सो द थिंग्स ऑफ गॉड नोएथ नो मैन बट द स्पिरिट ऑफ गॉड मैं चौथा लाइन पढ़ रहा हूं वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा केवल परमेश्वर का आत्मा नो अदर्स और कोई नहीं ओनली स्पिरिट ऑफ गॉड केवल परमेश्वर का आत्मा सो माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट आई शुड ओबे टू द होली स्पिरिट ऑफ गॉड प्लीज कम अपॉन मी यदि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो मुझे घुटने टेक कर कहना होगा कि पवित्र आत्मा मुझ पर आइए स्पिरिट ऑफ गॉड कम अपॉन माय लाइफ परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए द मोर यू नो अबाउट द होली स्पिरिट द मोर यू नो अबाउट गॉड जितना आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे परमेश्वर को जानेंगे द मोर यू ओबे टू द होली स्पिरिट द मोर यू लिसन टू होली स्पिरिट द मोर यू आर कमिंग टू नो मोर अबाउट गॉड जितना पवित्र आत्मा की बात मानेंगे उतना ही परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3 Verse 16 and 17. पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 16 और 17. First Samuel chapter 10 verse 6 and 9. The spirit of the Lord came upon Saul. The young man's mind is completely changed. पहला शमूएल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 6वें और 9वें पद में पवित्र आत्मा उतर आया और उसका दिमाग दिल बदल गया. Hallelujah. Hallelujah. God will fill you. Ask God to fill you more. आप प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे भर दे. Not only our talent, we need His Spirit. केवल हमारा हुनर नहीं, हमें उसके आत्मा की ज़रूरत है। And David was playing. जब दाऊद बजा रहा था, demons ran away. दुष्टात्मा भाग गई। अवर पारी पेरू? कौन भाग गया? साउल लो न दयालु। शाउल के अंदर की दुष्टात्मा। इपुड़ मनम बाढ़तना दयाल वारी पत्रने चपल गोड़ देनी स्तोत्र। अभी हम लोग गीत गा रहे हैं, दुष्टात्माएं भाग रही है, ताली बजाएं। प्रतिरोध Every day, evening and morning, live program is coming. You can clap your hands and worship God. हर दिन सुबह शाम ऐसी आराधना होती है, live worship होती है, ऐसे ताली बजाकर आराधना करें। Thousands of people are worshiping in every house. और हर घर में हजारों लोग ऐसे आराधना कर रहे हैं। They stopped watching serials and they're worshiping God, taking an instrument and worshiping God. Even children, elders and everyone. उन्होंने सीरियल देखना बंद कर दिया, अपने वाद्य यंत्र लेते हैं, ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करते हैं। The channel name you can note it down. आप चैनल का नाम आप लिख लीजिए Every day the worship is there morning and evening. हर दिन सुबह शाम आराधना होती है People are running to house after their
taking bath and just sitting in the worship and reading God's Log word. अपनी नौकरी के बाद में भाग कर आते हैं नहा के परमेश्वर की आराधना के लिए बैठ जाते हैं. And children are coming back from school and college and finishing their homework and they're joining in prayer. और बच्चे लोग स्कूल से आते हैं अपना होमवर्क जल्दी-जल्दी करके वापस इस प्रार्थना के लिए जुड़ जाते हैं. Singing, worshiping God. ताली बजाकर गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करते हैं. Every day 60 to 70 points we are covering in prayer. Har din 60 se 70 binduon ke liye prarthna hoti hai. Praying for your family, praying for your children, praying for young people, your future. We are praying for wonderful blessings upon God's people. Praying for revival, praying for our nation, praying for our state, praying for authorities, praying for sick people to be healed, praying for so many points. People are joining and praying. Aur hazaron binduon ke liye hum prarthna kar rahe hain. Aapke liye, aapke bachchon ke liye, parivar ke liye, netaon ke liye, mantriyon ke liye, sab ke liye prarthna ho rahi hai. I am sure if you join you will be blessed. Aur main nischay janta hu ki aap judenge to aashishit honge. Sunday go to church. Itwar ke din aaradhana jaye. And every day morning and evening you are at your house. और बाकी हर दिन तो आप अपने घर पर हैं. If you have any cottage prayer, of course you can. यदि आपका कोई कॉटेज मीटिंग होता है आप जरूर से जाएं. If you don't have any prayer meeting, come on, join in our live program. यदि आपके यहाँ कोई मीटिंग नहीं है तो आप जरूर से इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े. The power of God is working in every house. और परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक घरों में काम कर रही है. Hallelujah. Hallelujah. Saul the king, when he was possessed, what delivered him from demon? जब शाउल दुष्टात्मा ग्रस्त था तो किस चीज से उसको छुटकारा मिला? He is also God's child only. वो भी परमेश्वर का बच्चा है. But still he possessed. फिर भी दुष्टात्मा ग्रस्त हुआ. There are God's people also somewhere. They are possessed because of unbelief, not worshiping God, not reading God's word. और कई ऐसे प्रभु के बच्चे भी हैं, विश्वास नहीं करते, प्रभु की बात नहीं मानते, इसलिए दुष्टात्मा ग्रस्त हो जाते. Once upon a time, Saul was anointed by Samuel, the prophet. और एक बार तो शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया. Now, अब He lost the spirit of God and demon came upon him. अब परमेश्वर का आत्मा चला गया, दुष्टात्मा आ गई. Some people families are like that. कुछ लोगों का परिवार ऐसा हो चुका है. Very sad. Before once upon a time they were very spiritual people. एक समय पर वो बहुत ही आत्मिक कहलाए जाते थे. Now there is no worship, no praising God, no glorifying God. अब कोई आराधना नहीं है, कोई वचन उनकी जिंदगी में नहीं है. Watching movies and listening movie songs. अब केवल सिनेमा के गीत देखते हैं, सिनेमा के ही गीत गाते हैं. They are worldly people, let them do it. We are spiritual people. We are not supposed to watch all those things. वो सांसारिक लोग हैं, उन्हें करने दीजिए. हम प्रभु के लोग हैं, हमें नहीं करना है. We must worship our living God. हमें जीवते परमेश्वर की आराधना करनी है. If you want to be strong and do exploits, you need to do these three things. Know the word of God more. यदि आप अपने जीवन में प्रभु के लिए बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं, वचन को अधिक जाने. And worship in such a way the spirit of God must come and demons should run away. ऐसी आराधना करें कि परमेश्वर का आत्मा उतर आए और दुष्टात्माएं भाग निकले. Thirdly, the last point. तीसरी बात. The more you pray, the more power you will have. जितनी प्रार्थना करेंगे, उतनी सामर्थ्य मिलेगी. Come on, everybody say. Most of you know that, but sincerely, honestly, when you pray, more prayer. Come on, say more prayer. आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कहें, ज़्यादा प्रार्थना. More power. ज़्यादा सामर्थ. I will repeat. More prayer. More power. More power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So change today. So आज ही बदलाव. Change your mindset. आज अपने सोचने की तरीका बदल दे. Matthew chapter 7 verse 7 and 8. मत्ती 7 और उसका 7 और 8 पद. Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians 6वां अध्याय 18वां पद. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. Pray without ceasing. My brothers and sisters, you are servants of God. Your pastors are praying for you, but you must have prayer life in your house. प्रभु के बच्चों, प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए. Daniel prayed thrice morning, afternoon, evening, every day, thrice a day. और दानियल हर दिन दिन में तीन बार प्रार्थना किया करता था. The Bible says Daniel chapter 6 verse 10. और बाइबल बताती है दानियल छठवां अध्याय दसवां पद. And he prayed thrice a day. और वो दिन में तीन बार प्रार्थना करता था. Isaiah the prophet chapter 6 verse 1 to 8 he prayed and said Lord I am living among the unclean lips people among unclean lips please cleanse me wash away my sins. यशया छठवें अध्याय उसके 1 से 8 पद में हम देख सकते हैं यशया ने प्रार्थना किया प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में हूँ आप मुझे छुइए मुझे शुद्ध करिए. My brothers and sisters मेरे प्रिय भाइयों बहनों pray that God may wash away all your sins प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सारे अपराध धो दे. Pray that God will bless your future
प्रार्थना करें कि प्रभु आपके भविष्य को आशीषित करें। People in the Bible, all of them are like us only. They are also lived like our lives. बाइबल में पाए जाने वाले हर लोग हमारे ही समान थे, हमारे समान जिंदगी बिताई। One thing made the difference. They prayed. They depended on God. They used their faith. एक बात उनके अंदर में थी, वो प्रभु पर आश्रित थे और प्रभु ने उनको आशीषित किया। When you do these three things, you shall have breakthrough. जब आप ये तीन बातें करेंगे, आपके जीवन में बड़ी बेदारी आएगी। The Lord will do great thing for you. परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। May the Lord give you breakthrough, brother. प्रभु आपके जिंदगी में बेदारी दे। Breakthrough for your family. आपके परिवार के लिए बेदारी दे। If you believe the Lord can bless you and provide all you need, lift up your hand and shout and praise the Lord. यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आशीषित कर सकता है, तो हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें। Hallelujah. Hallelujah. Yes, shall we pray now? आइए अब हम प्रार्थना करें। Father, give me more life. कहे प्रभु मुझे और जिंदगी दे। Give me abundant life, Lord. प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन दे। Let me also break the problems in my life. ताकि मेरे जीवन की समस्याएं टूट जाए। Let me have breakthrough in my spiritual life, in my financially, in all the areas of my life. मेरे आत्मिक जीवन में और मेरे जीवन में बेदारी आ जाए। Come on, lift up your hands and pray. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें। If you take a decision, cry out to God. यदि आप निर्णय ले रहे हैं, तो आज प्रभु को पुकारें। You can stand and pray. आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते। Pray as loudly as you can. जितना जोर से प्रार्थना कर सकते हैं, चिल्लाकर प्रार्थना करें। Let this day be a memorable day. आज का दिन एक यादगार दिन हो जाए। Daddy, I want to see breakthrough in my life. पिताजी, मैं अपने जीवन में एक बेदारी को देखना चाहता हूं। Cry out. आज पुकारे प्रभु को। Jesus, I pray, give breakthrough to your people, my God. आ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बेदारी लाना चाहता है। I know, Lord, you are going to give them breakthrough. आ पिता, मैं जानता हूं कि आप उन्हें बेदारी देने चाह रहे हैं। Fire of God, come upon us. ओ परमेश्वर, आपका आग उतर आए। Holy Spirit, come upon us. पवित्र आत्मा उतर आए। Fill us with your power, oh अपनी सामर्थ से भर दे। Come on, everybody shout and pray. Young people, teenagers, elders, प्रार्थना करें, प्रभु को जोर से पुकारे। Continue praying, my brothers and sisters. ओ प्रार्थना करते रहे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। The Lord is listening to our prayers. प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। Oh, you can pray for breakthrough in your life. आप अपनी जिंदगी में बेदारी के लिए प्रार्थना करें। I want to see breakthrough in my financial. मैं अपने धन में बेदारी देखना चाहता हूँ। In my spiritual life. मेरे आत्मिक जीवन में बेदारी देखना चाहता हूँ। Yes, everybody shout and pray. सारे लोग चिल्लाएं और प्रार्थना करें। Continue. जोर से और जोर से प्रार्थना करें। Young people, you need bright future. Ask Father. और जितने जवान जो उज्जवल भविष्य चाहते हैं, पिता से मांगे। Young girls, pray, Lord, bless me with a bright future. और जितने जवान है, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उज्जवल भविष्य दे। Students, pray, Lord, I want a breakthrough in my life. विद्यार्थी, प्रार्थना करें, मुझे उज्जवल भविष्य चाहिए खुदा। Father, mothers, pray. God will bless your family. Oh, माता पिता प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार को आशीषित करे, प्रभु आशीषित करेगा। Jesus, we praise you, Father, Lord, my God. Oh, we thank you, Jesus. प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Oh, we praise you, Jesus. हम आपको धन्यवाद करते हैं। We magnify your name, Jesus. Oh, प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। We glorify your name, Jesus. प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Let the Spirit of the Living God come upon all of us. Oh, परमेश्वर का जीवित आत्मा हम सबके ऊपर आ जाए। Move like a mighty wind upon our lives in Jesus' name. Oh, प्रभु, एक ताजी हवा के रूप में, एक आंधी तूफान के रूप में बह जाओ। The Spirit of the Lord is coming upon all of us. Clap your hands and praise the Lord. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Father, answer our prayers. हे पिता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। The miracles happen to your people. आश्चर्य कर्म होने लगे। Let wonders happen to your people. ओ चिन्ह और अद्भुत कार्य होने लगे। Everybody pray to God. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु से प्रार्थना करे। I see the anointing of God is working here. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक यहाँ काम कर रहा है। Continue praying. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। चुप ना हो, कोई चुप ना हो, प्रार्थना करते रहे। सारे लोग प्रार्थना करते रहे। और जोर से प्रार्थना करें, हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करें, और जोर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Yes, Lord Jesus, प्रभु दया कर, प्रभु। I want to see the life-changing revival in every family. Cry out and ask, Lord, I want to see life-changing revival in me, in my family, in my nation, in my state. Oh, प्रभु, मैं अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में, अपने परिवार में बड़ी बेदारी देखना चाहता हूँ, जीवन बदलने वाली बेदारी। Send life-changing revival into every house, oh God. Oh, प्रभु जी, जीवन बदलने वाली बेदारी।
Shout and say जोर से ताली बजाकर, जोर से चिल्लाकर प्रभु की आराधना करें, और जोर से, और जोर से आत्मा में भरकर, और जोर से आत्मा में भरकर, आत्मा में भरकर, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, और जोर से, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, ताली बजाकर शुक्रगुजारी करें, ताली बजाकर शुक्रगुजारी करें, ओ धन्यवाद पिता, shout and say thank you Jesus, कहे धन्यवाद यीशु, everybody say thank you Lord Jesus, हर एक व्यक्ति कहे धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. इस गीत को गाते हम परमेश्वर की महिमा करें और इसके साथ साथ हम अपनी भेंटों को परमेश्वर की सेवकाई में दें और जिससे कि परमेश्वर की महिमा इस सेवकाई के द्वारा होने पाए। आप अपने भेंटों को UPI के द्वारा दे सकते हैं, आप अपनी भेंटों को QR कोड के द्वारा दे सकते हैं, आप अपनी भेंटों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं जिससे कि इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। जहाँ जहाँ हमारी आराधना चलती है आपके लिए वहाँ पर दान पात्र रखे हुए हैं, आप अपनी भेंटों को उस दान पात्रों में डाल सकते हैं। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। इस 24 सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस 24 सेवकाइयां जो चलती हैं, यदि आप अपना योगदान इसमें देना चाहते हैं तो आगे आके आप इस योगदान को दे सकते हैं। स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, बोलो आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ग्लोबल प्रे स्टेडियम तैयार होने के लिए जा रहा है। यदि आपको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है इसका निर्माण करने के लिए, तो आप अपने हाथों को इस सेवकाई में खोल सकते हैं। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन सहारा। नाचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आप अपने भेंटों को UPI के द्वारा दे सकते हैं, आप अपनी भेंटों को QR कोड के द्वारा दे सकते हैं, आप अपनी भेंटों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। जय बोलो जय यीशु की, जय 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 बोलो जय यीशु की, जय 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 बोलो जय यीशु की, जय 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 बोलो जय यीशु। गांव के पास्टर लोग जो सेवा करते हैं, यदि आप उनके लिए कुछ सहायता करना चाहते हैं या उनकी सेवकाई के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों को खोल सकते हैं जिससे कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपने भेंटों को UPI के द्वारा दे सकते हैं, QR कोड के द्वारा दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। जय जय बोलो जय यीशु की, जय। वो ही राजा,
मेरा मेरे जीवन का सहारा वो ही राजा वो मसीह। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन लोगों ने अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाया है उन्हें 10 गुना करके वापस कर। जिन्होंने सेवकाई के अंदर बोया है प्रभु उनको आशीष करे। जिन्होंने टीवी सेवा के लिए दिया है उनको भी आप आशीष करें। प्रार्थना करते हैं पिताजी पीजीएस पॉल फाउंडेशन के लिए, जिन्होंने बोया है आप उनको आशीष करें। जिन्होंने विलेज मिनिस्ट्री में दिया है उनको भी आप आशीष करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो नहीं दे सके उनको भी आप आशीष करें। सारा आदर और महिमा तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिताजी। प्रभु जी आप हमारे साथ आरंभ से लेके अभी तक हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद करते हैं पिताजी तेरे वचन के लिए। जिन लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है इनमें प्रभु जी फल आने दे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हिंदी सर्विस के द्वारा जो प्रभु जी आप अपने दास को इस्तेमाल करते हैं पास्टर स्टीफन पॉल जी को आप आशीष करें और इस सभा को आशीष करें। सारा आदर और महिमा तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Love of our Father in heaven. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, communion and fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, all the saints of God, those who are washed by the blood of Jesus. और परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए गए संतों के साथ होने पाए, people of God, those who are every day participating in this morning and evening life changing journey. और हर रोज इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में जुड़ने वाले लोगों के जीवन में टू बी विद एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया भर में रहने वाले सारे संतों के साथ हो। दोस्तों आर वाचिंग दिस YouTube लाइव चैनल बी ब्लेस्ड एंड एवरीवन लेट देम रिजॉइस इन क्राइस्ट। और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को सुने और आशीषित हो। God bless you. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Make sure my brothers and sisters share this message with others. ये संदेश आप दूसरों के साथ बांटें। If you are not subscribed, please subscribe it. यदि subscribe नहीं किया तो subscribe करें। Share with others. और दूसरों के साथ में आप बांटें। So that we are sharing the word of God, we are also helping the orphanages. तो जब आप वचन बांट रहे हैं, तो आप अनाथ आश्रमों की मदद कर रहे हैं। God bless you. जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Life changing हिंदी आराधना इसी तरह हर रविवार 1 बजे चलती रहेगी। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को संडे स्कूल 3 बजे तक भेज सकते हैं, जिसके द्वारा कि आपके बच्चे प्रभु में बढ़े और वह आशीष में हो। हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जितने भी आपके पहचान के लोग हैं आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।